हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनिंदर कुर्मी, आप देख रहे हैं ऑल लंच में आपका स्वागत। दोस्तों आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा अगर फोटो कोई ट्रांसफर कर रहा है या भेज रहा है, किसी को फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसका फोटो का साइज कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप होता है वो साइज कम कर देता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप किसी को फोटो भेजना चाहते हैं जो आपके पास क्वालिटी है, 1 MB हो, 2 MB हो, जितनी MB का फोटो है वो उतनी ही MB का फोटो दूसरे के पास सेंड हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, आपके समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों। फोटो का साइज 1% कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो का मैं साइज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी अभी ये फ़ोटो खींचा है, इसका साइज़ मैं दिखाता हूँ आपको कितना है। ठीक है, उसके बाद आगे बताता हूँ क्या करना है। आप देख सकते हैं 2.2 MB का ये फ़ोटो है। ठीक है, देख लें। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, या तो अटैच कर सकते हैं या फिर सेंड करके। ठीक है, इस तरीके से आप भेज सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके से भेजते होंगे, जैसे कि मैं यहाँ फ़ोटो भेजता हूँ और यहाँ पे गैलरी पे। ठीक है, आपको गैलरी नहीं करना है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको गैलरी नहीं करना है। क्या करना है आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी फ़ोटो आपका है, सबसे पहले व्हाट्सअप खोलेंगे, जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं, यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको गैलरी नहीं करना है। ठीक है, कोई भी फाइल हो, चाहे PDF फाइल हो, चाहे JPG फाइल हो, चाहे PPT हो। ठीक है, सारी चीज़ भेजाना है आपको डॉक्यूमेंट से, जितनी भी फाइल होगी आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये आपका जो फाइल मैनेजर है वो खुल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उस MB फ़ोटो को, और इस जो भी आप फ़ोटो यहाँ से अटैच करेंगे, ठीक है, उसका साइज यहाँ से आप उस फ़ोटो को यानी कि भेज सकते हैं। ठीक है, जो फ़ोटो होगा वो होगा JPG में, सिर्फ यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ से फ़ोटो जा चुका है। तो मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ, डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें 2 WhatsApp चला रहा हूँ इसलिए। ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 चलाता हूँ या 3 चलाता हूँ, जिसको भेजते हैं उसको डाउनलोड, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं अभी उसका साइज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करके देखते हैं, वो ही है कि और तो नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दे सकते हैं। ठीक है, अब ये अंदर कहाँ मिलेगा, अब बात ये आती है, आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर खोलना है, फ़ोन यानी कि जो आपकी स्टोरेज है, व्हाट्सअप खोलना है, मीडिया खोलना है। अब आपको बता दूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, आपको इमेज नहीं करना है, ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 2.2 MB का हमारा फ़ोटो आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम अगर भेजेंगे तो हमारा जो फ़ोटो का साइज़ होगा कम नहीं होगा, MB क्वालिटी कम नहीं होगी दोस्तों। फिर बताता हूँ एक बार आपको, ध्यान से देखना, जब आप चाहें जिसको चाहें उसको जब भेजते हैं, ठीक है, तो गैलरी नहीं करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, गैलरी नहीं करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करके उस फाइल को अटैच करना है, वो भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से हम भेजेंगे तो आपका क्वालिटी का फ़ोटो होगा, उसके जो साइज़ होगा MB का वो कम नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों की और भी लोगों को पता भी चले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से नई और भी हमें वीडियो मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।